तुम्हें स्किपिंग तो पसंद है ना हेनरिएटा? ओह, तुम्हारी उम्र में मुझे बहुत पसंद थी। ओह, चलो भी हेनरिएटा, तुम इससे तेज घुमा सकती हो। चलो और तेज। अच्छा ठीक है, रुकिए। सॉरी, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी अजीबोगरीब दादी के लिए रोप घुमा रहा हूँ। ओह, वो कौन है बेटी? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम मुझे अजीबोगरीब समझते हो ना? नहीं वो। ओ चलो हेनरिएटा, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मैं वहाँ जंप करूँगा? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं बड़े धीरे से घुमाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर। पहले पहले बस। ओ, यकीन नहीं होता, मैं यहाँ पार्क में स्किपिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर देखिए दादी माँ, वहाँ पर एक यूएफओ है। वो क्या था? वो बस एक यूएफओ था। यूएफओ था? ये दादी की अकल आधी हो गई है। हाँ हाँ, वो यूएफओ ही तो था, तुमने देखा नहीं? वो कैसे उड़ रहा था? चलो बेटा, आज तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। बाय बाय बच्चे। वो चले गए हेनरिएटा, तुम बाहर आ सकती हो अब। वो, हाँ मैं समझ गई कि तुम उस बदतमीज लड़के से बचने की कोशिश में थी। अब चलो फिर से स्किपिंग शुरू करते हैं। वाह, ये हुई ना बात, अब थोड़ा तेज करते हैं। चलो। वाह, इसमें तो मजा आ रहा है। देखा, तुम्हें मजा आ रहा है ना हेनरिएटा? दादी माँ, रुक जाओ। रुक जाओ? नहीं नहीं, तुम तो बड़ा अच्छा कर रही हो। मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मेरे पास स्पेशल करेले का जूस भी है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? हेनरी, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं बस ऐसे ही टहल रहा था। या फिर उड़ रहे थे बच्चे? कहाँ से उड़कर आ रहे हो? I love you, Henry. Thank you. जरा देखो तो मेरी बहन कितनी प्यारी है। Thank you, Nick. हाँ, प्यारी तो है तुम्हारी बहन। और हमारा छोटू टॉमी कहाँ है? टॉमी? हाँ? शायद वो मेरे नीचे दब गया। और मुझे एक पोमेरियन डॉगी भी मिला था दादी माँ ग्रेटा। ओह, तुम जैसी लड़कियों को क्यूट पप्पीज बहुत पसंद आते हैं हेनरिएटा। ये नींबू शरबत तो बहुत ही अच्छा है दादी माँ ग्रेटा। जरा ये वाला केक तो चखो। नहीं थैंक्स, अभी भूख नहीं है दादी माँ ग्रेटा। ओहो, टाइम तो देखो, जब मजा आ रहा होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो घर चले अभी? इतनी जल्दी नहीं, अभी एक काम करना बाकी है मेरी बच्ची। वो क्या है? तुम्हारा स्किपिंग लेसन। मेरा स्किपिंग लेसन? हो गई छुट्टी। ये हुई ना बात, अब कूदते कूदते कहो ऊपर और ऊपर, घुमाओ चक्कर, घुमाओ। और फिर मैंने तो उसे कह दिया कि सुन, तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझ, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ये क्या है? तुम बहुत बढ़िया कर रही हो। हाय पागल मार्गरेट। क्या? मामा संभल कर। पीटर, ये हमारे मेहमान का सामान है,
तुझे संभाल के उठाना चाहिए ना। सब्जी लोगी मार्गरेट? नहीं, मुझे सब्जी पसंद नहीं। और क्या आप रोटी थोड़ी पतली नहीं बना सकती? ठीक है, अपनी प्लेटियां लाओ। ये लीजिए और थोड़ी गरम भी कीजिए, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और मुझे तो पसंद नहीं है। मार्गरेट की बच्ची को दूसरा रूम दे दो। आउच, हेनरी ने मुझे लात मारी। क्या, मैंने नहीं मारा? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बस भी करो हेनरी। अगर मैं कहीं का राजा होता तो मार्गरेट को खूब 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 मजा चकाता। हेनरी, खाने के साथ खेलो मत। एक महीने की पॉकेट मनी तो कट गई, अगर बात नहीं मानी तो उल्टा लटका दूंगा। गुड नाइट बनी। गुड नाइट बनी। मार्गरेट, ललू ये मार्गरेट ने किया है। तू मम्मी से मार्गरेट की चुगली क्यों नहीं करता डरपोक कह के? पर वो हमारे मेहमान है, उसकी चुगली करना बैड मैनर्स हेनरी। बैड मैनर्स? दिमाग खराब है क्या तेरा? वो उधर मेरे सारे सीक्रेट्स पढ़ लेगी और मैं यहाँ। यिप्पी, क्या आइडिया है। फट्टे, मार्गरेट हमारी मेहमान है, अगर उसे मेरे सीक्रेट्स पढ़ने हैं तो मैं प्यारी मार्गरेट को सीक्रेट्स पढ़वा दूंगा। कल सुबह से शुरू होगा ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट। बस करो, मैंने कहा बस करो। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं। मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ और ब्रेकफास्ट के पहले म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले तुम्हारा नाश्ता बना देते हैं। चलो नीचे। सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट शुरू होता है अभी। मेरे रूम में लड़कियों की चीजें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूँ अपनी पर्सनल डायरी में। डायरी? मुझे नहीं पता था तेरे पास कोई पर्सनल डायरी है। नहीं, मैं इसमें अपने सारे सीक्रेट्स लिखता हूँ। तेरे जैसे लोग इसे नहीं पढ़ सकते, समझी? और तुझ जैसे से ही बचाने के लिए मैं इस डायरी को इस बॉक्स में बंद करके इस चाबी से उसे लॉक रखता हूँ और मैं इसे यहाँ रखता हूँ। अब हट बीच में से, मुझे दांत साफ करने हैं। एक बार फंसी तो बार बार फंसी। मान पड़ेगा और वो होगा मैं। हेनरी, चिट्ठी आई है क्या? जरा ऊपर ले आओ। अच्छा बनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हेनरी, लगता है दरवाजे पर कोई है। हेलो बेटा, मम्मी डैडी घर पर हैं क्या? मम्मी है पर बीमार है, मुझे साफ सफाई करनी है। छी, मम्मी को बुलाओ क्या? मम्मी, नहीं नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ मत दो, एक मैसेज दे दो बस। हम काम शुरू कर रहे हैं तो कुछ घंटों के लिए पानी बंद करेंगे। म्याओ म्याओ, ये पीटर का है। ओह, जैसे ही काम खत्म होगा हम आपको बता देंगे। हेनरी आया। म्याओ म्याओ।
सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। थैंक यू बेटा, दरवाजे पर कौन था? नंबर था, वो पानी बंद करने वाला है। अरे अरे, मुझे आज ही बीमार पड़ना था, इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम बाथरूम और किचन दोनों जगह पर पानी भर दो, जो भी बर्तन मिले उस पे पानी भर देना, और ध्यान रहे गिराना मत। हाँ, और बेटा ये पीठक ले जाओ। अब मैं कंप्यूटर पे खेल सकता हूँ। ओह, इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। हेनरी, बेटा मेरे लिए कंबल ले आना। और गर्म पानी की बोतल, मुझे ठंडी लग रही है। मुझे मैगजीन देना, मेरी किताब, खांसी की दवाई भी, थोड़ा टिश्यू पेपर। हेनरी, जरा दरवाजा खोलोगे? बेटा अब पानी आने वाला है तो प्लीज नल चेक कर लो। अच्छा बेटा, अब यही एक बचा था मुझे काम देने वाला। क्या? बोलो क्या करूँ तुम्हारे लिए, गर्मा गर्म चाय बनाओ या फिर रात का खाना ही खाकर जाओगे? नहीं रहने दो, इतनी तकलीफ मत लो। तकलीफ मत लो, तुझे क्या पता तकलीफ क्या होती है। हाँ हे, सुना तो, क्या बात है, अब कोई मुझे नहीं बुला रहा है। आहा शांति। हेनरी, मेरी हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मम्मी भी बीमार है, उसको जूस दो, पीटर को आइसक्रीम, फिर सॉर्ट बोर्ड का फोन, और फिर वो प्लम्बर आया था, और फिर पानी भी भरा, और किसी ने नल बंद नहीं किया, और अब मैं पूरा भीग गया हूँ और ठंडा पड़ गया हूँ। हेनरी, हेनरी, स्कूल जाने का वक्त हो गया। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता मम्मी। आज क्या बहाना बना रहे हो तुम? वे मुझे खांसी है। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो हेनरी, पर प्रैक्टिस की जरूरत है। स्कूल में आग लग गई है मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। चुप कर कीड़े, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पाँव टूट गया है। कितना दर्द कर रहा है। बेचारा हेनरी। मुझे पता है आज इंजेक्शन डे है हेनरी, और तुम स्कूल जरूर जाओगे, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, समझे? अब मुझे देखने दो, टूटा हुआ पाओ। तुम आराम से लेट जाओ हेनरी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ पीटर, तू जरूर मेरी मदद करेगा। पर मुझे आज तुम बनकर स्कूल में नहीं जाना है। तुझे बड़े लड़कों के ग्राउंड में खेलने को मिलेगा। सच्ची? तुझे बड़े बच्चों की क्लास में बैठने भी मिलेगा पीटर। तो? और बहुत सारा मैथ्स होमवर्क मिलेगा। ओ ये भी, मुझे मैथ्स होमवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर अगर मैं तुम बनकर गया तो मुझे तुम्हारे बदले इंजेक्शन लेना पड़ेगा।
ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर सोचो कितना मासूम वक्त मिलेगा। मुझे नहीं लगता ये काम आएगा। आएगा, जरूर आएगा। हेनरी, पीटर, सच बोला तू, ये सच में काम नहीं आया। ये इंजेक्शन दांत तो नहीं छोड़ेगा ना? मेरे हाथ कितने सुंदर है, मुझे उन पर कोई मार्क वर्क नहीं चाहिए। इंजेक्शन को नस में नहीं लगना चाहिए, इससे खून बहुत बह जाता है, गैंग्रीन हुआ तो हाथ भी काटना पड़ता है, सोचो कितना भयानक है। ओह प्लीज, एक छोटी सी सुई तो है। हाँ, एक छोटी सी सुई। मुझे मत चुनो, प्लीज मुझे मत चुनो। विलियम, अब तुम्हारी बारी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, बचाओ। रोना बंद करो विलियम, सिर्फ एक इंजेक्शन ही तो है। हाँ, रो तोड़ू कहीं का। मैं तो कभी भी नहीं रोऊंगा। मैं नहीं, मैं टफ और स्ट्रांग हूँ। मैं कुछ भी सह सकता हूँ। मार्गरेट, मुझे तेरी चीख सुननी है मार्गरेट। इंजेक्शन डे में एक ही चीज मजेदार होती है, मार्गरेट की चीख सुनना। अब कभी भी चीखेगी क्या? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सुई कभी नहीं देखी। तू मुझे डरा नहीं सकती, मेरे हाथ से भी लंबी है। लंबी है तो क्या हुआ? हेनरी, नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। So easy being me, I'm hard Henry. हेनरी, तुम अपने भाई पीटर का ध्यान रखो, पापा और मैं हेल्प करने जा रहे हैं। वाओ, चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं। हाथ छोड़ कीड़े, मुझे टिकट खरीदना है ताकि किसी को मेरा नंबर ना मिले। इसका मतलब मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। खुफिया प्राइस टिकट कहाँ मिलेगा? उस काली दीवार के पीछे। एक बाइट लोगे? वापस दो, बेन रोको उसे। नेक्स्ट कौन आएगा खेलने? अरे हेनरी, तू तो बड़ा एक्साइटेड है। नहीं टीचर, मुझे ये बकवास गेम नहीं। अरे शर्मा मत बच्चे, चल शुरू हो जा। वापस आ जा बच्चा। सॉरी टीचर, मैंने आपको पहले ही बताया था। हेलो, हेलो, टिकट खरीदा है। हेलो, अभी काउंटर खुला नहीं है हेनरी, बाद में आओ। वो रहा, पकड़ो उसे, देख लूंगा। अब नेक्स्ट कौन है? ठीक से बैठो। खुफिया प्राइस कंपटीशन के लिए टिकट अभी से मिल सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, प्राइस जीतने का अच्छा मौका है। ओह नो, अब इन छछुंदरों में से कोई भी नंबर 42 चुन सकता है। ठीक है बेटा, ठंडे दिमाग से सोच, ऐसी सिचुएशन में कोई भी होप छोड़ देता है, लेकिन मैं कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूँ, और एक एक को चुन के मारूंगा और जीत होगी मेरी। देखते हैं पहला कौन है। ये लूजर पप्पू, काम हो गया। मैं तेरी चटनी बना दूंगा हेनरी। अरे चिल मार यार, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुझे विनिंग नंबर बता सकता हूँ। अच्छा, तो क्या, और वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए। दोस्त बता, नंबर है 95। हाँ,
क्या रे एंड्रू, तूने सुना ना फर्स्ट प्राइज इस सर्कस का शेर है? क्या? और सेकंड प्राइज में दो शेर देंगे। नहीं। चुपचाप लाइन में खड़ा रहे। जरूरत भी नहीं है, मुझे तो विनिंग नंबर भी पता है, खरीदेंगे क्या? तो कौन सा नंबर जीतेगा बता? नंबर 42। यही है सची मुची डार्लिंग, नंबर 42 ही जीतने वाला है। अब ला दे मुझे 20 रुपए। तू समझता है मैं तेरे घटिया मजाक में फंसूंगी? मैंने तो चाची बन चुन लिया है। यस, पता था नहीं मानेगी। ओनो, ये मोटा भी नंबर लेके चला गया। नहीं, 42 चुन लिया। उस मोटे के पास मेरा टिकट है। सुन बर्ड, मुझे वो टिकट चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। ऐसा क्यों? और मेरा नया फुटबॉल भी। ऐसा क्यों? ठीक है ठीक है, अब सुन, 10 रुपए, मेरा नया फुटबॉल और एक सुपर कुक बैंक 10 का पोस्टर। ऐसा क्यों? देखो हेनरी, मैंने खुफिया प्रेस का टिकट खरीदा और एक रेफर का भी। दफा हो जा लल्लू, मैं बिजी हूँ। तो डील पक्का ना? ये मैं तेरा सामान कल 75। मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। मेरा टिकट किसके पास है? पीटर, पीटर के पास मेरा टिकट है। पीटर, लल्लू यहाँ वापस आ अभी के अभी। सुन बे कीड़े, तेरे पास नंबर 42 है ना, वो मुझे चाहिए, बदले में 5 रुपए दूंगा। पर मुझे ये टिकट पसंद है, ये मेरा है और मुझे यही वाला चाहिए क्योंकि। कितना लेगा? 20 रुपए। मुझे स्विमिंग पसंद नहीं, जब मैं राजा बनूंगा तब किसी को स्विमिंग अलाउड नहीं होगी। अब बस कर राल्फ। पर एंड्रू तो मुझसे डर गया। मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैंने तुम्हें डराया तो तुम्हारे इस महीने की पॉकेट मनी मेरी। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, तो बताओ इस हफ्ते क्या बहाना बनाओगे? मैं तो स्विमिंग चड्डी लाना ही भूल गया। नहीं यार, पिछली बार तो यही बहाना था, उसके पहले भी यही बहाना था। ठीक है फिर, कुछ नया सोचना होगा। ओह नो राल्फ, तूने झूठ बोला। देख वहाँ पर इतना बड़ा शेर है। क्या? कहाँ है? कहाँ? क्या? कहाँ? अरे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे कहाँ है शेर? अरे यार शहर में कैसे शेर आ सकता है? ओह शायद ज़ू से भाग गया होगा। चुप कर, यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। अरे तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो शेर इस तरफ है। क्या बात है? शेर किधर है? किधर है? किधर है? आओ हेनरी, यहाँ पे कोई शेर नहीं है। अरे तुम लोग लेट आए, वो चला गया। हाँ हाँ, बड़ा है शेर दिखाने वाला, लेट आ रहे हो। मजा आ गया बॉस। बुड़बुड़ सर तो क्लास ही नहीं ले पाए क्योंकि किसी के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थी। राल्फ, तू अपना टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा देख, अभी तू डर जाएगा। मम्मी को स्कूल से फोन आया था, कल स्विमिंग का एक्स्ट्रा क्लास है, समझा क्या? कल? और स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी है। स्कूल का टाइम हो गया हेनरी, 8 बज गए हैं। आज स्विमिंग क्लास है। देख तो किसी को मत बोलना एंड्रयू, अभी अभी एक्वेरियम से एक शार्क भाग गया है। क्या शार्क? हाँ, इंसान खाने वाला खूंखार शार्क, और वो इस तरफ आ रहा है, तो संभाल कर रहना। हेनरी ने बोला शायद हमारे पूल में शार्क हो सकता है। शार्क तो समंदर में रहते हैं, उन्हें पूल का पानी पसंद नहीं है। मुझे भी ये पानी पसंद नहीं, लेकिन इसमें स्विम करता हूँ मैं। हाँ सही बोला यार। सॉरी यार, इस बार भी डरना भूल गया। तुझे तो नानी याद दिला के रहूंगा। आज तो मैं टाइम पे हूँ सर। चलो सब लोग पूल में उतरो।
हेनरी आज फिर से कोई सॉरी सर, आज मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, समझे? और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर तुम्हें सर्दी, खांसी, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, नाक का दर्द या कहाँ का भी दर्द हो, चलो चड्डी पहनो। मैं तो पहनना चाहता हूँ सर, लेकिन बैड न्यूज है, मैं अपनी चड्डी भूल गया। पता था, एक्स्ट्रा है मेरे पास, ले लो। ये सब कौन पहनेगा सर? मैं तो नहीं। गहना पहन लो। अब मुझे पूरे 5 राउंड्स लगाने हैं, वो भी बिना डूबे। हेनरी पानी में उतरो। ये तो डरपोक है सर, पानी से भी डरता है। मैं नहीं डरता सरेली मार्गरेट। हाँ, मुझे पानी पसंद है, ये देख। मेरे पास एक ऑफर है, मंजूर है तो बोलो। स्कूल ग्राउंड के 30 चक्कर काटो और फिर ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाओ। मान जाओ वरना स्कूल से निकल जाओ। शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? तू तो रॉकस्टार है हेनरी, आज तक का सबसे फेवरेट प्रिंसिपल। हाँ मैं जानता हूँ, आ जाओ। तूने मुझे बुलाया क्या? तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? आपने मुझे बुलाया हेनरी प्रिंसिपल सर। हाँ, मैंने सोचा आज तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया, घटिया हेनरी सर। तुझे हेनरी का नौकर बन के बड़ी खुशी हो रही है ना? ऐसा क्यों? रास्ता साफ है। अब सुनो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे इस महान स्कूल पर एक बुरे साये ने कब्जा कर लिया है। मेरा अपना भाई प्रिंसिपल हेनरी। घर पर तो उसने मेरी लाइफ मुश्किल कर दी है, अब स्कूल की भी मेरे जैसी हालत करना चाहता है वो। हाँ? हेनरी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अब बस मैं और नहीं सहूंगा। बोलो मेरे साथ, हेनरी वापस जाओ। दोस्तों, इसमें बड़ी हिम्मत आ गई है कीड़े। अब मुझे हेनरी सर को तुम्हारी इस गद्दारी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मुझे कभी किसी ने पनिश नहीं किया, अब कितने देर यहाँ रुकना होगा? मुझे क्या मालूम, मुझे मिस ऑडबोर्ड वापस चाहिए। मुझे मेरी डेप्यूटी हेड की पोस्ट वापस चाहिए। मुझे हेनरी से अपना बदला चाहिए। अब शायद हम घर जा सकते हैं। फोन, असली का फोन। मैं स्कूल से बोल रही हूँ, हेनरी की कंप्लेंट करनी है। नहीं तो, पर आपको फोन किसने किया था? अगर हेनरी को पूरे क्लास के साथ रहना होगा तो शायद आप उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं। ऐसी बात है तो ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया उसे। ओह शुक्रिया राल्फ, और तुम्हारे प्रमोशन पर बधाई हो बेटा। संभल कर जाइएगा। एक्स्ट्रा होमवर्क, पागल हो गया है क्या? पर उन्हें भगा तो दिया ना मैंने। कौन है ये, क्या है? इस टर्म के फाइनल रिपोर्ट बुक्स हैं। आपको ये सब भरने होंगे प्रिंसिपल सर। इसमें तो सालों लग जाएंगे। इसका मतलब इस साल की छुट्टियां कैंसिल। 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 आप सबको दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहा है? वो स्कूल का होलिया बिगाड़ रहा है, हमें गंदे बर्गर खिलाकर और घटिया गाने
हेनरी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है और सुना है। इस साल की छुट्टियां कैंसिल, इस साल की छुट्टियां कैंसिल, इस साल की छुट्टियां। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सब बोलो, हेनरी वापस जाओ, हेनरी वापस जाओ, हेनरी वापस जाओ, हेनरी वापस जाओ। अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है प्रिंसिपल हेनरी सर। फेवरेट, शायद इन लोगों की सोच बदल गई है, तुझे ये लोग भगा कर ही रहेंगे। इससे पहले मैं यहाँ से 9-11 हो जाता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मिस ऑटबॉट को बुलाने, उनको ये नौकरी मुबारक हो। मैं भी आता हूँ, रुक जा। मैं मामा को अपना रिपोर्ट दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी हूँ। सच में? हाँ, जब मैं प्रिंसिपल था मैंने एक दो रिपोर्ट्स खुद बनाए थे। क्या इसका मतलब? ओ नहीं, किस किस का? ओ सिर्फ तेरा और मैं। So easy being me, I'm चलो कल्लू राम, जाग जा, सुबह हो गई। ब्लैकी, ओ ब्लैकी। कल्लू राम, ब्लैकी, बस करो। अब बस बहुत हुआ हेनरी, आज फैसला हो ही जाए। ये क्या है? ये एक वोटिंग बॉक्स है, तुम इसमें अपने वोट्स डाल सकते हो अगर कोई मिले तो। मान ले हेनरी, इन सब चीजों में पीटर तुझसे बेहतर है। नहीं ये नहीं है, वो बस मुझसे ज्यादा क्यूट है, इसलिए लोग फंस जाते हैं। अच्छा सुन, अगर मैंने तेरे लिए वोट किया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये तो चीटिंग है राल्फ, और मैं चीटिंग नहीं कर सकता। नहीं चीटिंग नहीं है, सोच तेरी ट्रॉफी मुझे जमीन पर पड़ी मिल गई और तू मुझसे कहे जा रख ले, और फिर बस बाय चांस मैं तेरे लिए वोट कर दूंगा जब तू वोट मांगने आएगा। ओह ऐसी बात है, मतलब अगर मैं फिर तू फिर मैं पक्का। पैसा वसूल। बस ऐसे ही दिमाग चलाया करो। तो हम तेरे लिए वोट क्यों करें हेनरी? हाँ तुम्हारे लिए क्यों वोट करें? देखो किसी के चॉकलेट्स गिरे हैं। अरे वाह, मेरे लिए 3 और मेरे लिए 1। तो क्या मैं आप दोनों का वोट पक्का समझूं? बाद में मिलते हैं हेनरी। हाँ बाद में मिलते हैं हेनरी, या फिर शायद कभी नहीं। हम गिनना शुरू कर रहे हैं। वाह क्या बात है। हेनरी तू जीत रहा है। यस। पीटर तू जीत रहे हो। यस। लगता है टाई होगा। ए मार्गरेट, मार्गरेट तूने मुझसे कुछ कहा कल्लू राम? अपना हिसाब बराबर नहीं हुआ। अच्छा कौन सा हिसाब? ओह देख मार्गरेट, टॉफीज की बारिश हो रही है। याद आया मार्गरेट? आओ कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं, तेरे लिए वोट करना भूल ही गई। ये ले तेरे वोट्स। तू हारेगा कीड़े। अरे पीटर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मिस ऑटबॉट क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर बेटा पूछो। तो आपको कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लगता है, ब्लैकी या कल्लू राम? और अब ये 47, 48, 49 कल्लू राम के लिए। यस। तेरे को कितने वोट्स मिले? तो 45, 46, 47
और ये 48 है ब्लैकी के लिए। ब्लैकी, ब्लैकी। मैंने कहा फिर से काम करो। कलुराम। ब्लैकी। कालूराम, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। ये मटर जितने दिमाग वाली किसे बात कर रही हो? हाँ तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, बिना भेजे के बंदर। मेरा कल्लूराम, मेरा कल्लूराम यहाँ कैसे आया? ये कल्लू नहीं, ये लाली है। मेरा ब्लैकी। नहीं, ये लाली है और ये हमारे साथ रहती है। पर मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी भाषा में समझाओ तुम मच्छरों को? क्या ब्लैकी की लड़की है? जी कल्लूराम लड़की है। इसमें हंसने वाली बात क्या है? अब सवाल ये है कि हम इन सबको क्या नाम देंगे, बताओ बेटा। क्या तुम लोग कुछ खेल नहीं रहे हो बच्चों? ओह यस, आइडिया अच्छा है, पर हम खेलेंगे क्या दोस्तों? लुका छुपी और क्या। वेरी वेरी गुड। पीटर, मैं ये पौधा तुम्हारे रूम में रखती हूँ। जी हाँ मामा। सैम और मैं गिनेंगे, गॉर्डन तुम छुपोगे। मजा आएगा। 1, 2, 3। इसके नीचे तो नहीं है। हे, दिखता नहीं, मैं सो रहा हूँ। क्या तुमने गॉर्डन और सैम को कहीं देखा? नहीं, मैं सो रहा था पागल मच्छर। जब मेरी आंखें बंद थी तो मैं कैसे देख सकता हूँ? समझ में नहीं आता, मैं सोया था। पर बाहर निकल। आहा, मुझे मालूम है तुम यहीं पर ही होगे। नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। और तुम घबराना नहीं मेरे दोस्त, मुझे मालूम है कि तुम्हें खाना देने का समय हो गया है। मैं भी आया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने मार्गरेट को खा लिया? यस, तो खा डाला, मजा आ गया। ये ओ, मेरे दुश्मन को खा लिया। ओ नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते। मुझे टेस्टी और भी दो लोग हैं, जैसे मेरी सारी टीचर, या फिर रोंदू सिर, या फिर वो बदमाश आंटी जो अपने कुत्ते को हर दिन मेरे पीछे छोड़ती है, और पीटर। पौधे, मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, पीटर को खा जा। ओ, तुम यहाँ हो हेनरी? हाँ। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे पौधे से, उसने मार्गरेट को खा लिया और अब तुझे खाने वाला है। मेरा पौधा? तुम मजाक कर रहे हो ना हेनरी, पौधे इंसान नहीं खाते। लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। खाने का टाइम हो गया है। मैं जा रहा हूँ टीवी देखने। स्पेशल विटामिन से भरा हुआ खाना। ओह हेनरी, कितना भूतू है। इंसान खाने वाला पौधा, ये सब टीवी पे गंदे गंदे प्रोग्राम्स देखने का नतीजा है। पर
तो तभी खिला था ना। ये लो खाओ मेरा मुक्का। क्या मजा आया ना बदमाश एलियन मार खा के। यस मारो उसे रागोन। यस तो आखिर हम मिल ही गए रागोन। और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। कोई फायदा नहीं है डॉक्टर टोगैम्बो। तैयार हो जाओ मेरा जोरदार मुक्का खाने के लिए। तुम्हें तो लेकिन ये क्या है जो रागोन के पीछे है? डॉक्टर ना समझने ऐसा क्या छोड़ दिया है रागोन के पीछे? रागोन आगे बढ़ता है पर उसे मालूम नहीं है कि एक भयानक चीज उसका पीछा कर रही है। शायद वो चीज उसकी जान भी ले सकती है। उसके करीब जा रही है और करीब। रागोन अपने पीछे देख, पीछे देख। क्या बस यही रागोन का अंत है? ओ क्या बकवास है, रागोन ने उसे जरूर देखा होगा। जितनी चाहे कोशिश कर लो रागोन, तुम बच नहीं सकते। आवाज कहाँ से आई? तू यहाँ कैसे पहुँच गया? तू मुझे नहीं खा सकता, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं तुझे म्यूजिक सुनाता है, याद कर वो कॉमिक्स, वो चिप्स, वो मैं था मैं। अच्छा यहाँ से तू मुझे नहीं खा सकता, मैं इतना टेस्टी नहीं हूँ, मैं नाया भी नहीं हूँ। नहीं मुझे मत खा। So easy being me, I'm Hard Henry. तो सब क्या खाना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो ये क्या अजीब अजीब नाम है इस होटल में? अबे डबर पढ़ना भी आता है क्या तुझे? रूबी आंटी आप भी मेरे लिए ऑर्डर कीजिए, मैं सब कुछ खाता हूँ। हम सब के लिए रूबी ही ऑर्डर करेगी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक मिनट, मुझे अपना पूरा खाना खत्म करना है तो मैं अपना खाना खुद ऑर्डर करूंगा। यहाँ बर्गर और चिप्स कहाँ लिखा है? सर वो सिर्फ दोपहर के खाने में मिलता है और अभी हम डिनर का ऑर्डर ले रहे हैं। अगर दम है तो स्टार्टर्स में ये ऑर्डर करके दिखाओ टफर। एस्कॉर्ट वो क्या है? ऑर्डर तो कर। ज्यादा बकबक मत कर, समझा ना तुझसे पूछा किसने? हाँ लल्लू कर ले कर ले, पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया है ना, बाद में तो फंसेगा ही। पौक, 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 पौक। चुप कर अकड़ू। मेरे लिए एक एस्कार्गो ऑर्डर कीजिए। बढ़िया चॉइस, ये हमारे यहाँ की खास डिश है। आपका ऑर्डर सर। उल्टी हो जाएगी मुझे, खा के दिखा। बीस रुपए हेनरी, 20 रुपए। अच्छा है, च्युइंगम जैसा टेस्ट है। ओ स्टीव, तू खाएगा थोड़ा सा? अच्छा है। पुस पुस आवाज मत करो। जी माँ। और सारी सब्जियाँ भी खानी है। हाँ माँ। हेनरी। गुड इवनिंग टीचर, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वाह कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें अपने स्टूडेंट से कुछ सीखना चाहिए। बेटा सिर्फ दो बूंद, नहीं तो मुंह में आग लग जाएगी। ये सॉस बहुत ही ज्यादा तीखा है। सर क्या आप रास्ता भूल गए हैं? नहीं असल में मेरा कजन तीखा सैलेड ऑर्डर करना भूल गया था, तो मैं वही शेफ को बोलने आया था। ठीक है मैं उन्हें कह देता हूँ सर। वेरी गुड, और याद रखना उसे तीखा बहुत पसंद है, 5 बूंद जितना तीखा। यस मुंह बंद करके खाओ, कितनी आवाज करती हो, सब सिखाना पड़ेगा क्या? माँ जरा सुनो बेटा, क्या मेरी बेटी तुम्हें ठीक से पढ़ाती है? माँ ओह जी हाँ आंटी जी, ये तो बेस्ट टीचर है। वाह कितना अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन माँ अब हेनरी तो मेरे क्लास का सबसे बदमाश लड़का है।
तुमसे तो कम ही बदमाश होगा। चलो खाना आ गया। अरे देखो सी फूड, मुझे तो उल्टी आ रही है। मुझे टमाटर से नफरत है और मुझे बीट पसंद नहीं है। रूबी आंटी, आपने सबका फेवरेट खाना मंगवाया है। ओह थैंक यू बेटा, मैं सबकी पसंद जानती हूँ। अगर इतना पसंद आया है तो हम और मंगाएंगे, ठीक है? और सर आपके लिए यहाँ की ये एक्स्ट्रा स्पेशल डिश। मैं तो इसे कभी नहीं खा सकता, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिले। यही तो फर्क है तेरे और मेरे में, तू है जीरो और मैं हूँ हीरो। वाह यम्मी, चलो सब खाना शुरू करो, मजा आएगा। खाना शुरू करो। तो स्टीव, कैसा है तुम्हारा खाना? चुपचाप बैठ कर खाना खाओ। मैडम आपको जाना होगा, आपके बेटे को हम और नहीं सह सकते। अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। और मैं भी नहीं। बाय बाय बीटरूट। लेकिन डैड आपने तो कहा था कि मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा। ये लो तुम्हारे 20 रुपए, चलो चलकर बर्गर खाते हैं। तो मेरे साथ ही हो, तैयार हो तुम? हाँ, रोने के लिए, क्योंकि फर्स्ट आएंगे हम और तुम आओगे लास्ट। हाँ लास्ट। अगर मार्गरेट सच में फर्स्ट आई और हम लास्ट आ गए तो क्या होगा? अरे चिल यार, मैंने सब सोच लिया है, जीतेंगे तो हम ही, समझे? गुड आफ्टरनून, और स्वागत है हमारे आज के पहले टैलेंट कॉम्पिटिशन में, और पेश है एल, जो आपको एंटरटेन करेगा होके उल्टा पुल्टा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, नो, दस, एल, नहीं, स्पाइडर। आके देखेंगे ब्रायन के दिमागी झटके। मुझसे जो सवाल करना है करो और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। टेलीफोन किसने बनाया? इजी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बताओ इंडिया का कैपिटल कौन सा है? सिंपल, दिल्ली। एक चॉकलेट के डब्बे के बदले मैच टेस्ट में लिंडा को चीटिंग किसने करवाई थी? मैंने करवाई थी। चलो अभी मुझे तुमसे बात करनी है। काफी जोर का झटका लगा है और अब बारी है मार्गरेट और उसकी बोलती हुई डॉल सूजन की। एक काली चींटी ने सफेद चींटी के कान में धीरे से क्या पूछा? तू कौन सा पाउडर लगाती है? बेवकूफ, ये लाइन मेरी थी, तुम्हें बोलना था, मुझे नहीं पता। अभी बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता। कितना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें देखकर लोग कितना हंस रहे हैं। तो क्यों ना लोगों को कुछ और हंसाया जाए। ओहो, ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जिससे अपनी जीत पक्की हो जाए राइफ। कुछ तो बोलो बुद्धू डॉल। अब आया मजा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हेनरी। बाप रे बाप, अब बंद कर लीजिए अपने कान, क्योंकि आ रहे हैं सबसे शैतान हेनरी के बदमाश हीरोज। टू थ्री फोर।
वो हमें उल्लू बना रहे थे। झूठे कहीं के। मेरे ऑफिस में चलो और तुम भी राल्फ। मेरा छोटा भाई पीटर जीतने वाला है। आखिरकार मैं वो शो देखने वाला हूँ। यहाँ आओ बदमाश लड़के। वेरी गुड पीटर। मेरा प्यारा बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया कीड़े। किसने सोचा था। हेनरी, स्कूल जाने का वक्त हो गया। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता मम्मी। आज क्या बहाना बना रहे हो तुम? मुझे खांसी है। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो हेनरी, पर प्रैक्टिस की जरूरत है। स्कूल में आग लग गई है मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। चुप कर कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पाँव टूट गया है। कितना दर्द कर रहा है। बेचारा हेनरी। मुझे पता है आज इंजेक्शन डे है हेनरी, और तुम स्कूल जरूर जाओगे, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, समझे? अब मुझे देखने दो, टूटा हुआ पाओ। तुम आराम से लेट जाओ हेनरी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ पीटर, तू जरूर मेरी मदद करेगा। पर मुझे आज तुम बनकर स्कूल में नहीं जाना है। तुझे बड़े लड़कों के ग्राउंड में खेलने को मिलेगा। सच्ची? तुझे बड़े बच्चों की क्लास में बैठने भी मिलेगा पीटर। तो? और बहुत सारा मैथ्स होमवर्क मिलेगा। ओ ये भी, मुझे मैथ्स होमवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर अगर मैं तुम बनकर गया तो मुझे तुम्हारे बदले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर सोचो कितना मैथ्स होमवर्क मिलेगा। मुझे नहीं लगता ये काम आएगा। आएगा, जरूर आएगा। हेनरी, पीटर। सच बोला तू, ये सच में काम नहीं आया। ये इंजेक्शन दांत तो नहीं छोड़ेगा ना? मेरे हाथ कितने सुंदर है, मुझे उन पर कोई मार्क वर्क नहीं चाहिए। इंजेक्शन को नस में नहीं लगना चाहिए, इससे खून बहुत बह जाता है। गैंग्रीन हुआ तो हाथ भी काटना पड़ता है। सोचो कितना भयानक है। प्लीज, एक छोटी सी सुई तो है। हाँ, एक छोटी सी सुई। मुझे मत चुनो, प्लीज मुझे मत चुनो। विलियम, अब तुम्हारी बारी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, बचाओ। रोना बंद करो विलियम, सिर्फ एक इंजेक्शन ही तो है। हाँ, रो तोड़ू कहीं का। मैं तो कभी भी नहीं रोऊंगा। मैं नहीं, मैं टफ और स्ट्रांग हूँ। मैं कुछ भी सह सकता हूँ। मार्गरेट। मुझे तेरी चीख सुननी है मार्गरेट। इंजेक्शन डे में एक ही चीज मजेदार होती है, मार्गरेट की चीख सुनना। अब कभी भी चीखेगी क्या? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सुई कभी नहीं देखी। तू मुझे डरा नहीं सकती। मेरे हाथ से भी लंबी है। लंबी है तो क्या हुआ हेनरी? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मुझे भी। और मुझे भी। आउच। भागो सब लोग, भागो, अपनी जान बचाओ।
में छुपे रहना सुजन। जोर से। अब सब बच्चों अंदर चलो, जोकर अपना शो शुरू करने वाला है। एक और बदमाशी करोगे तो तुम दोनों का केक कैंसिल हो जाएगा। केक कैंसिल? हाँ, केक नहीं मिलेगा। अब चलो अंदर सबके साथ। नौटंकी जल्दी से खत्म हो जाए। हेलो बच्चों, मैं हूँ कॉलिन जोकर। तो बर्थडे बॉय कहाँ है? वो क्या है? ये एक शेर है। जल्दी दूर करो उसे, मुझे शेर पसंद नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल बात ये है कि मुझे शेर से डर लगता है। तो चलो अब वक्त हो गया है जादू दिखाने का। वेरी गुड, चलो केक खाएं। ये जल्दी क्यों नहीं करता, मुझे केक खाना है। अब बच्चों हो जाओ तैयार देखने के लिए गायब होने वाला दूध। दूध गायब हो गया। टेंशन मत ले यार, ये रहा तेरा दूध। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। लेकिन मॉम मैंने कुछ भी तो नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, तो बच्चों तैयार हो जाओ गायब होने वाले केले के लिए। होगा कुछ अजब जब होगा ये केला गायब। कोई बताएगा केला कहाँ गया? यहाँ पर है। मॉम अब तो केक खा सकता हूँ। एक बार और बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। हेनरी तुम बहुत होशियार हो, अगली मैजिक ट्रिक में तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बनते हैं? क्या? गायब होने वाले इस बॉक्स के साथ। तो बच्चों इस वक्त मैं होशियार लड़के को गायब करने जा रहा हूँ, देखिए। जल्दी करो, जल्दी करो। मजा आएगा। अंदर जाओ हेनरी। ठीक है, केक के लिए कुछ भी करूँगा मैं। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका। क्या मस्कोट है हेनरी? ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से करते हैं। तरफेतर सैमरू ढाड़ो। आखिरी बार करके देखते हैं। इंगली पिंगली पो। ब्रेक ले लेते हैं। शो फिर से चालू होगा एक ब्रेक के बाद। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो केक कब खाएंगे? देखा तुमने, उसे शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। आइडिया बर्थडे शेर। बच्चों सैंडविच खाने के लिए आ जाओ। ओ मामा कितना मजा आ रहा है। और याद रखना, केक को हाथ भी लगाया तो टांगे तोड़ दूंगी। तुम पे स्कर्ट बहुत जचता है हेनरी। चुप बैठ सड़ेली।
दो चाबी के बिना वो कैसे छूट पाएगा। चलो बच्चों जल्दी अंदर बैठो, शो शुरू ही होने वाला है। मैंने अपना काम कर दिया, तूने तेरा किया। हाँ जैसा कि तूने कहा था वैसे ही। हेलो बच्चों, मैं हूँ जादूगर कॉलिन, मुझे कैद करना नामुमकिन है। हेनरी, स्कूल जाने का वक्त हो गया। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता मम्मी। आज क्या बहाना बना रहे हो तुम? मुझे खांसी है। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो हेनरी, पर प्रैक्टिस की जरूरत है। स्कूल में आग लग गई है मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। चुप कर कीड़े, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पाँव टूट गया है। कितना दर्द कर रहा है बेचारा हेनरी। मुझे पता है आज इंजेक्शन डे है हेनरी, और तुम स्कूल जरूर जाओगे, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, समझे? अब मुझे देखने दो, टूटा हुआ पाओ। तुम आराम से लेट जाओ हेनरी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ पीटर, तू जरूर मेरी मदद करेगा। पर मुझे आज तुम बनकर स्कूल में नहीं जाना है। तुझे बड़े लड़कों के ग्राउंड में खेलने को मिलेगा। सच्ची? तुझे बड़े बच्चों की क्लास में बैठने भी मिलेगा पीटर। तो? और बहुत सारा मैथ्स होमवर्क मिलेगा। ओ ये भी! मुझे मैथ्स होमवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर अगर मैं तुम बनकर गया तो मुझे तुम्हारे बदले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर सोचो कितना मैथ्स होमवर्क मिलेगा। मुझे नहीं लगता ये काम आएगा। आएगा, जरूर आएगा। हेनरी, पीटर, सच बोला तू, ये सच में काम नहीं आया। ये इंजेक्शन दांत तो नहीं छोड़ेगा ना? मेरे हाथ कितने सुंदर है, मुझे उन पर कोई मार्क वर्क नहीं चाहिए। इंजेक्शन को नस में नहीं लगना चाहिए, इससे खून बहुत बह जाता है, गैंग्रीन हुआ तो हाथ भी काटना पड़ता है। सोचो कितना भयानक है। प्लीज, एक छोटी सी सुई तो है। हाँ, एक छोटी सी सुई। मुझे मत चुनो, प्लीज मुझे मत चुनो। विलियम, अब तुम्हारी बारी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, बचाओ बचाओ। रोना बंद करो विलियम, सिर्फ एक इंजेक्शन ही तो है। हाँ रो तोड़ू कहीं का। मैं तो कभी भी नहीं रोऊंगा। मैं नहीं, मैं टफ और स्ट्रांग हूँ। मैं कुछ भी सह सकता हूँ। मार्गरेट। मुझे तेरी चीख सुननी है मार्गरेट। इंजेक्शन डे में एक ही चीज मजेदार होती है, मार्गरेट की चीख सुनना। अब कभी भी चीखेगी क्या? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सुई कभी नहीं देखी। तू मुझे डरा नहीं सकती, मेरे हाथ से भी लंबी है। लंबी है तो क्या हुआ हेनरी? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मुझे भी, और मुझे भी। आउच, भागो सब लोग, भागो, अपनी जान बचाओ। चले जाओ यहाँ से। तुम कबर में छुपे रहना सुजन।
ये ले ललू तेरा प्रेजेंट। पड़ेगा जोर से। अब सब बच्चों अंदर चलो, जोकर अपना शौक शुरू करने वाला है। एक और बदमाशी करोगे तो तुम दोनों का केक कैंसिल हो जाएगा। केक कैंसिल? हाँ, केक नहीं मिलेगा। अब चलो अंदर सबके साथ। नौटंकी जल्दी से खत्म हो जाए। हेलो बच्चों, मैं हूँ कॉलिन जोकर। तो बर्थडे बॉय कहाँ है? वो क्या है? ये एक शेर है। जल्दी दूर करो उसे, मुझे शेर पसंद नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल बात ये है कि मुझे शेर से डर लगता है। तो चलो, अब वक्त हो गया है जादू दिखाने का। वेरी गुड, चलो केक खाएं। ये जल्दी क्यों नहीं करता? मुझे केक खाना है। अब बच्चों हो जाओ तैयार देखने के लिए गायब होने वाला दूध। दूध गायब हो गया। टेंशन मत ले यार, ये रहा तेरा दूध। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। लेकिन मॉम मैंने कुछ भी तो नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, तो बच्चों तैयार हो जाओ गायब होने वाले केले के लिए। होगा कुछ अजब जब होगा ये केला गायब। कोई बताएगा केला कहाँ गया? यहाँ पर है। मॉम अब तो केक खा सकता हूँ। एक बार और बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। हेनरी तुम बहुत होशियार हो, अगली मैजिक ट्रिक में तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बनते हैं? क्या? गायब होने वाले इस बॉक्स के साथ। तो बच्चों इस वक्त मैं होशियार लड़के को गायब करने जा रहा हूँ, देखिए। जल्दी करो, जल्दी करो। ओ, मजा आएगा। अंदर जाओ हेनरी। ठीक है, केक के लिए कुछ भी करूँगा मैं। अरकम दरकम दोम धड़ाका। क्या मस्कोट है हेनरी? हाँ, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से करते हैं। तरफे तर सैमरू ढाड़ो। आखिरी बार करके देखते हैं। इंगली पिंगली पो। ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, शो फिर से चालू होगा एक ब्रेक के बाद। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो केक कब खाएंगे? देखा तुमने, उसे शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। आइडिया बर्थडे शेर। बच्चों सैंडविच खाने के लिए आ जाओ। ओ मामा, कितना मजा आ रहा है। और याद रखना, केक को हाथ भी लगाया तो टांगे तोड़ दूंगी। तुम पे स्कर्ट बहुत जचता है हेनरी। चुप बैठ सड़ेली। चाबी के बिना वो कैसे छूट पाएगा। चलो बच्चों जल्दी अंदर बैठो, शो शुरू ही होने वाला है। मैंने अपना काम कर दिया, तूने तेरा किया। हाँ, जैसा कि तूने कहा था वैसे ही। हेलो बच्चों, मैं हूँ जादूगर कॉलिन। मुझे कैद करना नामुमकिन है। Yeah!
या।